नमस्कार, News4Nation देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक पहले तेजस्वी यादव अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पटना आने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव सबसे पहले हनीमून पर जाएंगे और उसके बाद जैसे ही खरमास उतरेगा वो पटना वापस आएंगे। बता दें कि जब मीडिया कर्मियों ने लालू यादव के बेहद करीबी रहे भोला यादव से बातचीत की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर तेजस्वी यादव कब आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी यही जानकारी दी गई कि तेजस्वी यादव अभी नहीं बल्कि खरमास के बाद पटना आएंगे। और अब ये सब कुछ भी सुनने को मिल रहा है, यानी कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सबसे पहले तेजस्वी यादव हनीमून मनाने के लिए जाएंगे और तब वो बिहार लौटेंगे। बता दें कि बिहार लौटते ही बहुभोज का आयोजन किया जाएगा, सभी को न्योता दिया जाएगा, जितने भी गणमान्य लोग हैं, जितने भी आरजेडी के विधायक हैं या जितने भी बड़े नेता हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा और बहुभोज करवाया जाएगा। लेकिन सबके बीच पहले ये खबर सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव जो है पटना आने वाले हैं और पटना आने के साथ ही राबड़ी आवास में आयोजन किया जाएगा, शानदार पार्टी रखी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट कैंसिल करने की जानकारी सामने आई है। बता दें कि दिल्ली में बहन मिशा भारती के फार्म हाउस पर तेजस्वी यादव ने परिवार वालों के बीच पहले सगाई की, फिर जयमाल हुआ और उसके बाद सात फेरे उन्होंने लिए। और जिस लड़की से तेजस्वी यादव ने शादी की है उनके साथ वो 6 साल से साथ में रह रहे थे, वो उनकी प्रेमिका है। दोनों के जो रिश्ते हैं वो 6 साल से चल रहे थे और आखिरकार इस प्यार को अंजाम दिया गया, इस रिश्ते को एक नया नाम दिया गया और दिल्ली में तेजस्वी यादव की रशेल से शादी करवाई गई। परिवार के बीच जो है ये शादी हुई, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया। लालू प्रसाद यादव ने आशीर्वाद दिया, भाई तेज प्रताप यादव भी बेहद ही सज धज कर वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी आशीर्वाद देते हुए तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी को शुभकामनाएं दी। ऐसे में अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव फिलहाल पटना नहीं आ रहे हैं। बता दें कि राबड़ी देवी बीती रात पटना पहुंच चुकी हैं, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने राबड़ी देवी से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। भले उन्होंने ये कहा कि वो सभी को मिठाई खिलाएंगी, लेकिन तेजस्वी यादव कब आ रहे हैं ये खुलासा उनकी तरफ से नहीं किया गया। और यही वजह है कि News4Nation आपको ये जानकारी दे रहा है कि तेजस्वी यादव सबसे पहले हनीमून मनाने जाएंगे और हनीमून मनाने के बाद ही वो बिहार लौटेंगे। खरमास जैसे ही उतरेगा, यानी कि नए साल के शुरुआत में ही तेजस्वी यादव अपनी इस नई नवेली दुल्हन के साथ पटना आएंगे और पटना आने के साथ ही शानदार पार्टी का आयोजन भी किया जाएगा। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए News4Nation के साथ। नमस्कार।